तो मैम भाई मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ स्टार्स परफॉर्मर भी बैठे होंगे आपके साथ, तो उस्ताद के नाम से अगर शागिर्द का जुबान उस्ताद के जुबान से शागिर्द का नाम आ जाए तो बड़ा कमाल है। अच्छा यार जितने स्टूडेंट्स भी मेरे यहाँ पे मौजूद है वो सारे पहले तो सामने आ जाए ताकि मैं नहीं पता कौन कौन यहाँ पे आया, कितने मौजूद है। एक तो हुज़ैफ़ा मुझे नजर आ रहा है, मुज़म्मिल नजर आ रहा है, और आज सारे यहाँ हम्माद शहज़ादा जरूरी है, अहमद अहमद भी नहीं है। अच्छा सबसे पहले तो यार मैं हुज़ैफ़ा का इंट्रोडक्शन करवा दूँ अपने इंट्रोडक्शन से भी पहले कि ये मेरे मोहल्ले में जितने लोग हैं ना उनमें ये मेरा फ़ख्र है हुज़ैफ़ा। अच्छा क्यों मेरा फ़ख्र है कि मैं पेशे के अतबार से सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, और पैरेलल में मैं टीचिंग भी करता हूँ। अच्छा मगर आपको पता है जाहिर है जब बंदा शुरू करता है तो स्ट्रगलर होता है, तो मुझे तो चीज़ जो नज़र आ रही थी ना तो मैंने अपने मोहल्ले में सारे लोगों को ना बाकायदा अगर आपको मैं बताऊँ कि यार पैर पकड़ पकड़ के भाई सीख लो, मैं सिखाने को तैयार हूँ, मैं सामने बैठ के पढ़ाने को तैयार हूँ, किसी ने भी नहीं सीखा। हुज़ैफ़ा वो बच्चा है जो मेरे मोहल्ले का है, मेरी गली के पास ही रहता है, इसने सीखा और आज माशाल्लाह जॉब कर रहा है और शायद उससे भी ज़्यादा कमा रहा है। पैसे पूछता नहीं हूँ मैं क्योंकि मर्द से पैसे और खातिन से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, कभी भी सही नहीं बताते, इसलिए मैं पूछता नहीं हूँ कभी, लेकिन पता लग जाता है कि कहाँ पर काम कर रहे हैं। अच्छा मुज़म्मिल उसके अलावा यहाँ पर मौजूद है, मुज़म्मिल जो है अभी जो रिसेंट लास्ट बैच मैंने पढ़ाया है सैलानी में बैच 9, तो उनके जो तमाम स्टूडेंट्स हैं उनमें 2 स्टूडेंट्स मेरा फ़ख्र है जिनमें से एक मुज़म्मिल है। अच्छा तो फौरी तौर पर मुज़म्मिल को मैंने घेर के हायर भी कर लिया और ये इस वक्त मेरी कंपनी में जॉब कर रहा है माशाल्लाह। अच्छा आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर 2 मिनट वेट करें, मैं थोड़ी सी बात करके फिर आप लोगों के हैंड ओवर करता हूँ। अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कितने लोगों को यहाँ पर पता है कि क्या चीज़ होती है, बस सारा हाथ खड़ा करें। अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो होती है वो सॉफ्टवेयर बनाने का काम होता है। आप सब लोग अपने मोबाइल में व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फोटोशॉप, कैनवा, इस तरह के सॉफ्टवेयर आप डेली बेसिस पे जो यूज़ करते हैं, ये तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर बनाने का जो काम है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कहलाता है। अच्छा आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक बड़ा अम्ब्रेला है, इसके अंदर मोबाइल ऐप्स होती हैं, इसके अंदर वेब एप्लीकेशन होती हैं, इसमें वेबसाइट्स होती हैं और भी कई तरह के होते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी जो इन दिनों स्पेशलाइजेशन है वो चैटबॉट और वॉइस एप्लीकेशन है। चैटबॉट एक बिल्कुल नए तरह के सॉफ्टवेयर है, ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर जो होता है उसको आप इस्तेमाल करते हैं कीबोर्ड या माउस से या टच स्क्रीन से, चैटबॉट या वॉइस एप्लीकेशन ये बिल्कुल नए तरह के सॉफ्टवेयर है जिनसे आप बोल के बात करते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसी तरह उस सॉफ्टवेयर से मैं बात करता हूँ और वो मुझे जवाब देता है। अच्छा अब चैट जीपीटी के आने के बाद शायद चैटबॉट समझाना इतना मुश्किल नहीं रहा है, वरना जब 2016 में मैंने पहली दफ़ा चैटबॉट, क्योंकि जाहिर है शुरू में तो जो उस्ताद बताते हैं वो करता है, 2016 में जब मैंने आँख खोल के दुनिया देखना शुरू की मैंने देखा यार एआई का तो बड़ा मूवमेंट, तो एआई में मुझे चैटबॉट और वॉइस एप्लीकेशन में बड़ा फैसिनेट किया, तो उस वक्त तो किसी को पता नहीं था कि क्या होता है, तो मुझे मेरे जो साथ के कोलीग्स थे उस वक्त 10-10 साल के एक्सपीरियंस वाले उनको मुझे समझाना पड़ता था क्या, लेकिन चैट जीपीटी के आने की वजह से अब एक चाय वाले को और एक पान के केबिन वाले को और बस के कंडक्टर को भी पता है कि यार चैट जीपीटी कोई चीज़ है, तो चैट जीपीटी जो है वो एक चैट बॉट है, तो वो वाला सॉफ्टवेयर जो है मेरी स्पेशलाइजेशन है इन दिनों। अच्छा तो ये मैंने आपको ब्रीफली बता दिया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो क्या चीज़ है। अच्छा अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का स्कोप कितना है इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, पैसों की ज़्यादा बात नहीं करूँगा यहाँ पर, बस मैं इतना आपको बता देना चाहता हूँ कि अगले 5-6 सालों में 10 सालों में जो कोडिंग है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो तमाम फील्ड को जो है ना ऑक्यूपाई कर लेंगे। आप इस वक्त देखें बैंक्स, अगर आप लोगों का जाना होता है तो आज से 10 साल पहले जो बैंक्स के अंदर एक चहल पहल और रौनक होती थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है और तमाम बैंक्स ऑलमोस्ट बंद होने के दहाने पर खड़े हैं, क्यों, वो सारा सॉफ्टवेयर ने ऑक्यूपाई कर लिया। अभी वैसे तो दुबई वाले बैंक्स में हम काफ़ी ज़माने से ये चीज़ यूज़ करते हैं, लेकिन अभी मुझे किसी ने जिक्र किया कि पाकिस्तानी बैंक में भी ना मोबाइल से वो डायरेक्ट अकाउंट बनाने वाला ऑप्शन वो दे दिया उन्होंने कि आप मोबाइल, पहले तो जो था ना जाते थे आप सिग्नेचर करते थे अंगूठा लगाते थे वो सब खत्म हो गया, अब एक मोबाइल ऐप होती है उसको आप यूँ खोलते हैं नाम नंबर लिखते हैं और फिंगर ऐसे रख के उसकी फ़ोटो खींच के आप डालते हैं उसमें आपके थंब इंप्रेशन चला जाता है, उसके बाद वो ऐसे कैमरा खोलता है वो कहते हैं ऐसे मुँह करो हो गया बैंक अकाउंट, क्रेडिट जो डेबिट कार्ड है वो आपके घर पे वो पोस्ट कर देते हैं, तो बैंक जितने भी हैं तमाम बैंक ऑलमोस्ट बंद होने के दहाने में, इजी पैसा, जैस कैश, फिनटेक, सारी कंपनी ने इनको खा लिया। ये सिर्फ मैंने एक इंडस्ट्री की बात की है, लेकिन आप यू नेम इट और अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे आपको पता लगेगा कि क्या हो रहा है।
तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो इन डिमांड्स में, आप सप्लाई और डिमांड पता है ना कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है उसके पैसे ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, तो इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की डिमांड इसका बहुत है। आप अगर अपने सुबह से शाम तक की जिंदगी का जायजा लें तो आपकी जिंदगी में जो 80% टाइम आप गुजारते हैं वो किसी न किसी सॉफ्टवेयर से बात करते हुए गुजारते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप की शक्ल में हो, चाहे वो टेलीफोन आप किसी को कर रहे होते हैं, फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, या चाहे आप कोई चीज़ ऑर्डर कर रहे होते हैं ऑनलाइन, तो 80% जो आपके रोज़मर्रा के काम हैं आप किसी न किसी सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंट हैं। तो आप देखिए कितना ज़्यादा क्या कहते हैं इस्तेमाल हो रही है चीज़ में, तो ऑटोमेटिकली इन डिमांड जो चीज़ होती है ना उसकी डिमांड उसके पैसे वैसे कुछ बढ़ते हैं। अच्छा, और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को इतने ज़्यादा लोगों को आदिवासी है। अच्छा, तो आप अगर सीख गए तो आप जितने पैसे मांगेंगे वो आपको मिलेंगे। अच्छा, एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, मैं ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे कि मैंने कहा कि 10 साल से पैरेलल में पढ़ा भी हूँ डिफरेंट इदारों में, इन दिनों में सैलानी में टीचर हूँ, सैलानी में एज अ लीड इंस्ट्रक्टर, मैं वहाँ पर खुद भी ट्रेनिंग देता हूँ और वहाँ के इदारे में एज अ लीड उनका सिलेबस वगैरह ये सारी चीज़ें भी डिस्कस होता हूँ। अच्छा, लेकिन अभी बॉस भाई ने मुझसे जिक्र किया कि इनका जो इंस्टीट्यूट है यहीं पर 15 नंबर पर, वहाँ पर ये चाहते हैं कि ये कोर्स को शुरू किया गया। अच्छा, मैंने जो ये 2-3 स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे आए हैं अभी और भी शायद पता नहीं आगे पीछे हो गए थे, 4-5 लोगों को मैंने बॉस भाई के साथ कनेक्ट करवाया। अच्छा, तो आप बॉस भाई उनसे कोलैबोरेट करके इनको यूटिलाइज करें। अच्छा, ये जितने भी लोग मैंने इनके साथ कनेक्ट करवाए मेरे स्टूडेंट हैं ये और सारे लोग जॉब कर रहे हैं कहीं पैसे कमा रहे हैं। तो और सैलानी में भी हम जो एक चीज़ का ख्याल रखते हैं, अब जुनेद भाई माशाल्लाह बैठे हैं सैलानी से, वो इस बात के गवाह हैं कि ये अहमद आ गए, अहमद बड़े यहाँ अहमद यहाँ। अच्छा, तो हम सैलानी में जितने भी टीचर्स रखते हैं ना पढ़ाने के लिए, तो हम एक चीज़ का ख्याल रखते हैं कि जो चीज़ वो पढ़ा रहे हैं जैसे जुनेद भाई ग्राफिक्स पढ़ा रहे हैं, तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि उसका जरिया मुआश वही चीज़ हो जो वो पढ़ा रहे हैं। ऐसा ना हो कि वो काम ग्राफिक्स का कर रहे हैं और वो पढ़ा रहा कुछ और है, या वो काम कुछ कपड़े का बिजनेस है उसका और वो सॉफ्टवेयर डेवलप, ऐसा नहीं हो सकता, ये हम होने नहीं देते। तो मैं बॉस भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे इनके इंस्टीट्यूट में ये सारे बच्चे इनसे मैंने कनेक्ट करवा दिए, अब ये जाने और ये बच्चे जाने कैसे ये कम्युनिकेट करते हैं और कैसे ये तो मेक श्योर कीजिएगा बॉस भाई के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो भी पढ़ाया ना आपके इंस्टीट्यूट में वो बतौर जरिया मुआश उसका हो, पेशे के अतबार से सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, उसकी जॉब लगी हुई हो भले जिंदगी भी लगी हुई कहीं ना कहीं वो जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, अहमद यहाँ आ जाओ बेटा, अहमद के बारे में बताऊँ, मेरे खानदान के जो बच्चे हैं ना जितने भी उसमें अहमद मेरा फखर है, जैसा कि मैंने बताया हुज़ैफ़ा, मैंने अपने खानदान में याद ऊपर आया। अच्छा, देखो मेरे से भी इतना ऊँचा हो गया इसका। अच्छा, तो मैंने अपने खानदान में ना सारे बच्चों को मैंने कहा भाई सीख लो, ये देखो बस मैंने पैर नहीं पकड़ा खानदान वालों का, क्योंकि जरा फिर होता है ना वो, तो दोस्तों का तो बंदा पैर भी पकड़ देता है, खानदान वालों को मैंने कहा भाई सीख लो, ये सीखने की चीज़ है, इस फील्ड में आ जाओ, इसलिए नहीं सीखा। अहमद वो बच्चा है जिसने आज से 1.5 साल पहले शुरू किया बालबन। अच्छा, अब माशाल्लाह ये एक कैनेडियन क्लाइंट के लिए काम कर रहा है एज अ फ्रीलांसर, और पैसे कितने कमा रहा है ये मैं पूछता नहीं हूँ जैसा कि मैंने बताया, लेकिन बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, पता लग जाता है। अभी इसने नई मैकबुक खरीदी है, एक मैंने दिलवाई थी पहले मेरे साथ जाके लिया था, अब माशाल्लाह इतना समझदार हो गया खुद से जाके बॉक्स पैक लेकर आया, तो मैकबुक 4.5 लाख की होती है एटलीस्ट, 4.5 लाख का कंप्यूटर चला रहा है बच्चा, तो इसका मतलब है कि कमा रहे अच्छे ही होते हैं। अच्छा, तो अब मैं एक एक करके ना इनको ही देता हूँ माइक जरा कि आपसे बात करें। अच्छा, ये आपको क्या बताएंगे, 1, 2, 3 ये 3 बच्चे यहाँ पे पढ़ाएंगे, ये आपको 2 बातें बताएंगे। नंबर 1, ये इस जगह पे जो आज पहुँचे हैं, आज ये सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे जो जॉब कर रहे हैं, क्या रास्ता इन्होंने अख्तियार किया ताकि वो आपको आपके लिए इंस्पिरेशन होगा, आपको पता लगे ये रास्ता अख्तियार किया। अच्छा, और दूसरी बात आपको ये बताएंगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों से ही शेयर करेंगे ताकि आपके कोई भी सवाल ऐसे हों जो आप यहाँ पे नहीं पूछ पाएंगे तो आप इनसे बाद में कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हैं। अच्छा, प्लस बॉस भाई से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, जाने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, ये तो जरा यूट्यूब खोल के जरा वो दिखा दें चैनल में। अच्छा, लास्ट जो करियर काउंसलिंग का जो इवेंट हुआ था उसमें मैंने बड़ी लंबी चौड़ी बात की थी, मैं अभी वो करना नहीं चाह रहा क्योंकि टाइम भी जरा अभी शॉर्ट है और जरा और माशाल्लाह बड़ी खुशी हो रही है मुझे, इतने सारे लोग, मैं बॉस भाई ने मुझे बताया कि 800 लोग आएंगे, तो मैं हैरान हो गया 800 लोग कैसे आएंगे, लेकिन माशाल्लाह बॉस भाई के लिए तालियां बजा करके दिखाया मैंने। इसमें बस गूगल पे लिखते हैं जमान मलिक तो आ जाएगा। अच्छा, तो ये लास्ट वाला इवेंट था ना करियर काउंसलिंग, उसका ये मेरा यूट्यूब है, इसके ऊपर वीडियो डालेंगे, ढूंढ लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, उसमें मैंने तमाम तरीके बताए थे कि कैसे इसको सीखा जाता है, क्या पाथवे, तो मेरी जुबानी अगर सुनना चाहें तो वो यहाँ से आप जाकर सुन सकते हैं। प्लस
अच्छा नहीं यार ये वाला नहीं, आगे पता नहीं शॉर्ट से नहीं हुआ। अच्छा एक नए टाइप में लिंक्डइन खोल के मेरा दिखा दें आप। अच्छा लिंक्डइन के बारे में मैं थोड़ा सा बताता चलूँ जब तक ये खुल रहा है। linkedin.com आज से कुछ अर्से पहले तक जब किसी को कोई मुलाजमत चाहिए होती थी ना, हमारे यहाँ तो पता नहीं कैसे होता था लेकिन बेस्ट की बात कर रहा हूँ, वेस्ट में जब किसी को मुलाजमत चाहिए होती थी तो वो दुकान होती थी, जैसे स्टेट एजेंसी होती है हमारे पास कि आपको घर चाहिए होता है, आप स्टेट एजेंसी में जाते हैं और वहाँ जाके आप बोलते हैं मुझे घर दिखाओ, आपको विजिट करवाते हैं, घर पर दिखाते हैं। इस तरह दुकानें होती थी जो जॉब बांटती थी, पता नहीं क्या कहते थे उसको, मुझे नहीं पता। अच्छा वो काम अब करता है लिंक्डइन जॉब बैंक। अच्छा लिंक्डइन में क्या होता है, आप अपना प्रोफाइल बनाते हैं जिसमें आप लिखते हैं इंतजाम मालिक और लिंक्डइन लिखते हैं गूगल पर पा देते हैं। आप यहाँ पे जब साइन अप करते हैं और अपना प्रोफाइल जब आप बनाते हैं तो दरअसल ये सारी डिटेल आपसे लेता है, वो वाली जो एक सीवी के अंदर ली जाती है, आपकी एजुकेशन, आपके एक्सपीरियंसेस, आपने क्या पढ़ाई की हुई है और एक्स वाई जेड जो जो चीज़ें आपकी सीवी के अंदर होती है वो सब आपसे ही पूछता है। और एक्चुअली आपकी क्या करता है, सीवी एक तैयार कर देता है। अच्छा फिर कोई मेरे जैसा एम्प्लॉयर या जुहेब भाई जैसा एम्प्लॉयर कोई आता है, उसको चाहिए कोई ग्राफिक डिज़ाइनर जो औरंगी टाउन के 10 किलोमीटर के रेडियस में रहता हो और उसने कोई 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो उसका, तो वो यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं उसके सामने वो नाम आ जाता है। तो लिंक्डइन के ऊपर सब लोग आज जाके अपना अकाउंट बनाए जिन लोगों का नहीं है पहले से। अच्छा उससे होगा क्या, linkedin.com के प्लेटफॉर्म पे जब आप आ जाते हैं, जो भी आपका पेशा है, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप कोई कॉमर्स से आपका ताल्लुक है, चाहे आप टीचर हैं, आप linkedin.com पे जब आते हैं तो इस पे आने से ही आपके जो रोजगार के मौके हैं वो 50% तो हो जाते हैं, 50% ये चांस हो जाता है कि कभी ना कभी सुबह उठेंगे आपको कोई कॉल आएगी कि यार हम फला फला इदारे से बात कर रहे हैं और हमें एक बंदे की जरूरत है और आपकी कैपेबिलिटीज को मैच कर। अच्छा आप गूगल पे जाए नेट ऐप खोलो, उसमें आप लिखते हैं इंतजाम मलिक और लिंक्डइन INZAN और लिंक्डइन लिखते हैं। अच्छा देखिए इंटरनेट का कोई इशू हो गया, तो आप लोग मुझसे अगर कनेक्ट होना चाहें तो लिंक्डइन के ऊपर जाके आप कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे कुछ पोस्ट वगैरह जो भी होती है अपडेट्स वो वहाँ पे आते हैं। अच्छा अहमद अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं? सर जैसे कि आपको जवाब मैंने बताया कि मेरा नाम अहमद रहीम है और आज से 2 साल पहले मैंने स्टार्ट किए थे अपनी जर्नी, तो उस टाइम मैं भी कुछ नहीं था, आप लोगों की तरह एक माहौल सा रहता था। और इस कोर्स को करने के बाद मैंने जवाब मैंने बताया आपको लिंक्डइन के बारे में, उसकी अहमियत के बारे में, तो आपको जिस तरीके से दूसरे अकाउंट होता है फेसबुक के ऊपर होता है, इंस्टा के ऊपर होता है, स्नैपचैट पर होता है, ऐसे ही अगर आपका अकाउंट लिंक्डइन के ऊपर भी हो तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए अगर आपको इंटरनेशनल वर्ल्ड से कनेक्ट होना है, क्योंकि इंटरनेट के आने के बाद से दुनिया एक दुनिया नहीं रही है, एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, ठीक है? तो मतलब ये कि एक बंदा जो आपके बराबर में घर में रहता है वो ये एक शब्द जो आपके जो है ना कई 100 किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क में रहता है, जर्मनी में रहता है या कहीं भी रहता है, वो आपके बराबर में आ गया आपके इंटरनेट के आने के बाद से। तो मैंने भी लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट बनाया अपना और वहाँ पर जॉब का सेक्शन होता है, अभी इंटरनेट से लिंक्डइन में आपको दिखा देता, जॉब का सेक्शन होता है वहाँ पर जाके अप्लाई किया जॉब पे मुख्तलिफ किस्म की, जैसा कि मैंने बताया कि इंटरनेट आने के बाद ही दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो आप किसी भी बंदे को कहीं से भी मैसेज कर सकते हैं। और उसके बाद उसको आप बताएं कि यार मुझे ये स्किल आती है, अगर आपको ज़रूरत हो आप मुझे हायर करें या आपको ज़रूरत हो तो आप मुझे बताएं इसके बारे में। इसी तरीके से मैंने काम स्टार्ट किया और आज अलहमदिल्ला एक कैनेडियन बेस्ड कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ। मेरा नंबर है 03433159899, अगेन रिपीट कर रहा हूँ 03433159899। थैंक यू। अच्छा भाई तो ये इनको मैंने बॉस भाई से कनेक्ट करवा दिया, अब देखते हैं बॉस भाई इनको घेर पाते हैं। अच्छा मैंने अहमद को बड़ी घेरने की कोशिश की थी कि किसी तरह मैं सैलानी में उसको अगर टीचर ले आऊँ, लेकिन भाई मेरे से तो घिराई में नहीं आया। अब आप लोगों की दुआएं जो है ना और क्या कहते हैं बॉस भाई की कोशिश, अब देखते हैं बॉस भाई कैसे इसको घेर के अपने इंस्टीट्यूट में लाते हैं कोर्स शुरू करवाने के लिए। अच्छा मुजम्मिल आ जाओ, मुजम्मिल बताओ कि जहाँ पे तुम अभी मौजूद हो वहाँ पे इनको पहुँचना हो तो ये कैसे पहुँचे, क्या करें? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल अली है। सर मैं एक बात कहना चाहूँगा, मेरी ज़िंदगी में 3 बुरे हादसे हुए और 3 बहुत अच्छे हादसे हुए जो मैं कभी नहीं भूलूँगा। तो शुरुआत अच्छे से करते हैं। पहला मेरा दो सामान,
दूसरा सलानी और तीसरा इंजमाम मलिक। यकीन जाने बाखुदा मैं अब आता हूँ बुरे की तरफ। मेरे साथ तीन बुराई ये हुई कि मैंने एक साल इस औरंगी टाउन में आईटी कोर्स किया जो कि मेरे किसी काम नहीं आया, सिर्फ मुझे कंप्यूटर खोलना आया और बंद करना आया पूरे एक साल में। ऐसे ही मैं एक दिन बैठा हुआ था दोस्तों के साथ, तो मैंने अमान से दिल की बातें, यार अमान मेरा फ्यूचर क्या होगा, पूरा साल लगा दिया, पैसे दे दिए 30-40,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर दी अपने ऊपर, कमा मैं 10,000 भी नहीं सक रहा हूँ। अमान ने कहा यार तू यहाँ कहाँ फंसा हुआ है, आज चल तुझे सलानी में फॉर्म भरवाता हूँ। मैंने सलानी का फॉर्म भरा, टेस्ट दिया, अल्हम्दुलिल्लाह पास हुआ। अब उसके बाद खुशनसीबी देखे मेरी में जमान सर के पास आई, ये सिर्फ मेरे ट्रेनर नहीं है लेकिन माने इन्होंने मुझे डेवलपर के साथ साथ इंसान भी बनाया। उन्होंने बहुत चीज़ें ऐसी सिखाई हैं जो ये स्वीट से अलग थी और मेरी ज़िंदगी में बहुत काम आई। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं इनकी कभी नहीं भूलूंगा, जो मेरे साथ हो चुका है, कि आपका मज़हब, आपका जो दीन है वो आपके माँ बाप नहीं है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि आपका मज़हब, आपके दीन आपके माँ बाप नहीं है। आपका मज़हब, आपका दीन वो है जो आपके दोस्त हैं, जिनके साथ आप बैठ रहे हो, उनके साथ आपका उठक बैठक है। क्योंकि देखिए माँ बाप तो दिन भर घर में बोलते हैं कि बेटा ये कर, ये पढ़, यहाँ चल, मेरे साथ शादी में चल, यहाँ चल, आप बोलते हो नहीं, क्यों अनकम्फर्टेबल फील करते हो आप। वही अगर दोस्त आपका कहे कि आ चल चाय भी कराते हैं, तो आप बोले यार जैकेट लेके आ रहा हूँ घर से, भी चलते हैं साथ में। अब चाय में बैठ कर क्या बात कर रहे हो कि यार आज ऐसा हुआ कि बस सुबह उठा फेसबुक में ये लड़की मिली नहीं मिली, मैं यहाँ गया वहाँ गया ऐसा हुआ। अब आप क्या करोगे, आप उन्हीं फंस के रह जाओगे। लेकिन अगर आपका दोस्त बैठता है और आपको बताता है कि मुजम्मिल तेरा फ्यूचर क्या है, मुजम्मिल तू आगे करेगा क्या, मुजम्मिल तू कैसे कमाएगा, मुजम्मिल तू ये फील्ड जो ले रहा है कि 40 साल इसमें काम कर लेगा, तू गारमेंट्स में काम कर लेगा, तुझे बूढ़ा हो जाएगा तो क्या तू ऐसी मजदूरी करता रहेगा, यही बता दी, यही होगा ना। अगर आपका दोस्त अच्छा होगा तो आपको अच्छी की तरफ लेके जाएगा, अगर आपका दोस्त बुरा होगा तो आपको बुराई की तरफ लेके जाएगा। तो हमेशा आप क्या करें, अपने गैदरिंग ऐसे लोगों में बनाएं जो आपको नफा दे। दूसरी बात, मैं सर वॉस मैं आपका तहे दिल से इज्जत करता हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना अच्छा इवेंट, इतना कुछ सोचा रहा डांग वालों के लिए। अब सेकंड चीज ये देखिए, मैं ये सर वॉस खड़े हैं, इन्होंने एक स्टेप रख दिया और रंगी टांग वालों को सिखाने के लिए। ठीक है, यहाँ कितने लोग बैठे हैं, मिनिमम मैक्सिमम कोई बता दें, 600 प्लस। हमारी ये बातें, हमारा ये सब कुछ कितने तक गया है, अभी 600 तक गया। सर वॉस अगर कल कोई पोस्ट कर देते हैं तो भाई मेरे जो दोस्त हैं 4-5 वो अगर ऐसे पूछेंगे ऐसे स्टॉल मार देंगे, बस खत्म उनका काम, नहीं देखेंगे कभी वो ऐसी पोस्ट। अब ये आपका काम है, आप अपनी गैदरिंग में जब बैठो तो अपने दोस्तों से कहो कि भाई ये देखना, भाई आगे का फ्यूचर है, इसको देखना भाई, भाई समझ नहीं क्या हो रहा है भाई, भाई ये देख, ये आईटी है, आगे देख ये काम होगा, देख अभी तू मजदूरी कर रहा है, आगे भी तुझे मजदूरी कर, इसमें मैं मजदूरी करता तुझे नहीं देख सकता, आना इस फील्ड में भाई, भाई औरंगी टॉन में आ गया, तुझे गुलशन इकबाल नहीं जाना है, अब औरंगी टॉन नहीं काम हो जाएगा, आ जाए इस फील्ड में। तो आपने डेवलप करना, आज यकीन जाने मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने कभी नहीं सोचा मैं जॉब करूँगा, मैं चाहता हूँ मैं अपनी कंपनी बनाऊँ, बट मैं कंपनी में दमाद लोगों को लाऊँ कहाँ से। मैंने क्या किया, मैंने अपने 6 दोस्तों को पकड़ा और उन सबको बैठा दिया चाय के साथ, खिलाया पिलाया उनको, बताते क्या। आज मुझे फ़खर है मेरे 4 सलानी में एडमिशन ले चुके हैं, वो चारों पढ़ाई कर रहे हैं, उनको एडमिशन वो ले चुके हैं। तो यार आपने भी ये करना है कि आपने अपने दोस्तों को बताना, मोटिवेट करना, आपने पढ़ जाना उनके पीछे कि कर भाई कर, क्यों नहीं कर रहा है कर, बिल्कुल आखिरी दम तक उनके पीछे पड़ा रहना है। बट अगर उनके नसीब में नहीं हुआ तो वो नहीं कर सकते, अगर नसीब में हो तो इंशाल्लाह करेंगे। जैसे कि मैं आज तक नहीं बोला अमान को, वो अमानी लड़का है, वो आज यहाँ मौजूद नहीं, मैंने उसको खुद ही बुलाया था, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। और दूसरी बात, सर ने जैसे कि बताया मैं काम कर रहा हूँ, मेरी सैलरी सर ने बता दी है, बट कल से मैं जॉब से कल आया तो मैं फ्रीलांसिंग में पढ़ा हूँ, तो मुझे कल एक पाकिस्तानी क्लाइंट है, उन्होंने काम ऑफर किया और काम जो है मेरी आधी सैलरी, एक दिन में अपनी आधी सैलरी कमा लूँगा और मुझे वो काम लगता है कि वो 4-5 दिन में काम करके उनको निपटा के दे दूँगा। तो ये फील्ड ऐसा है कि इसमें तरक्की ही तरक्की है। आप आज आप कहते हैं यार कंप्यूटर से क्या होगा, इससे क्या होगा, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करके क्या होगा, मेरे सर ने मुझे बताया कि आने वाली जंगें भी कंप्यूटर से लड़ी जाएंगी। सर ऐसी बात है, जंगें भी कंप्यूटर से लड़ी जाएंगी भाई। आज आप देखें जापान में एक ऐसा हॉस्पिटल खुल चुका है जहाँ आप एंटर करें वो आपको स्कैन करेगा, ऊपर से नीचे तक पूरा स्कैन कर लिया, अंदर कोई भी इंसान नहीं, पूरा स्कैन आपको उसने कर लिया। आप आगे गए, अपनी पर्ची ली, पर्ची आगे गए काउंटर पर दिखाया, वहाँ से दवाई मिल गई, किसी इंसान से अभी कोई मुलाकात नहीं, कोई ताल्लुक नहीं हुई।
आपने अपने दवाई भी ले लिया, एक्सरे करा लिया, ब्लड प्रेशर चेक करवा लिया, सब कुछ करा लिया, कोई इंसान नहीं है भाई। ये इंटरनेट ने क्या नाम है जॉब खा ली है, बंदों की जॉबें ख़त्म कर दी हैं। सर ने एक मिसाल दिया बैंक वाले इजी पैसा, मैं बंदा हूँ जैसे कि मैं हूँ, मैं कैश कैरी नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, इसी पैसे से उसको भेज दिया, वो इसी पैसे से उसको भेज दिया, बैंक वाले कहाँ गए, कहीं नहीं गए, उनकी जॉब खत्म। अब दूसरी बात करूँ मैं बाइके वालों की, रक्षे वालों की, पहले मैं ऐसे हाथ देके रक्षा रोकते थे, रुक जा भाई रुक जा भाई रुक जा, अब उन्होंने बाइके वालों ने क्या किया, ऑनलाइन ही सब कुछ लगा दिया कि भाई घर बैठे राइड बुक करो, घर में आएगा, घर में बैठाएगा, लेके जाएगा और इज्जत से लेके जाएगा और वापस ला के दे, और आपकी सेफ्टी की जिम्मेदारी भी हमारी। तो ऐसा बाहर जाके रोकोगे रक्षा को, आपको कहते भाई सेफ्टी भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, घर में आके दे रहा है। तो बस मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करूँगा, और ये और सबसे पहले ये थे मेरे सर सर इंतमाम मलिक सर, सर आपका मैं तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। मैंने बहुत सारे देखे, हर जगह मुझे ट्रेनिंग मिलती थी, लेकिन आपने हमारी तरबियत भी की है और बहुत अच्छी तरबियत की है, बहुत अच्छा पढ़ाया हमें, आज हम मार्केट में हैं, हमें पता चलता है ये आपने कैसा पढ़ाया है सर, थैंक यू सो मच। इसके अलावा आप मुझे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें या देखना चाहें तो लिंक्डइन पे जा सकते हैं, मेरा अकाउंट नाम है मुजम्मिल अली। इसके अलावा फेसबुक में अकाउंट नाम है मुजम्मिल अली, और मेरा फ़ोन नंबर है 03 10 26 06 258। अगेन रिपीट कर रहा हूँ 03 10 26 06 258। बहुत बहुत शुक्रिया सकून से सुनने के लिए मुझे। अच्छा आ जाओ मुजफ्फर, आ जाओ, इनको ये बताना है कि तुम जहाँ पहुँचे हो कैसे पहुँचे, क्या पढ़ाई, कैसे सीखा। सलामुअलैकुम। अच्छा देखें, पहले छोटी सी बात मैं बताया था, आज से 3 साल पहले अपना करियर शुरू करने से पहले मैं फेसबुक यूज़ करता था, ठीक है, फेसबुक यूज़ करता था, इंस्टाग्राम यूज़ करता था, लेकिन अभी मैं उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ जिस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए फेसबुक की एप्लीकेशन बनी है, इंस्टाग्राम बनी है, स्नैपचैट बनी है। अभी आप लोग जो है इस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से सीख सकते हैं, प्रोग्रामिंग के करियर में किस तरीके से आ सकते हैं, और एक मार्केट में अच्छी पोजीशन और एक अपनी अच्छी वैल्यू किस तरीके से बना सकते हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मैं जब था तो मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, सर इंतमाम मिले, उसके बाद जो मैंने अपना करियर जो था सारा उन्होंने गाइड कर दिया था। लेकिन आप लोग जो है कुछ नसीब है कि आप लोगों के लिए इस तरीके के इवेंट हो रहे हैं औरंगी टाउन के अंदर, वो भी आप लोगों का ही जाना नहीं पड़ रहा। एक और बात बताऊँ, अब आप लोग जो है किसी के भी मोहताज नहीं है कि किसी इवेंट में हो या फिर किसी जगह पर आपको जाकर किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर ही आपको सीखना है। आप लोग सब जो है जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सबके पास जो है इंटरनेट अवेलेबल है, और जितनी भी जो प्रोग्रामिंग की स्किल्स हैं वो सारी उनकी डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल रही होती है। तो अब आप चाहें तो इंटरनेट पर यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, और यूट्यूब के अलावा जो है आप उन डॉक्यूमेंटेशन को भी फॉलो कर सकते हैं। करंटली मैं जो हूँ, अभी मैं 2 जॉब कर रहा हूँ, एक मैं मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर हाउस में उसमें काम कर रहा हूँ एज ए एसोसिएट यूआई डेवलपर, और उसके अलावा एक रिमोट बेस्ड जो है कंपनी है वो एज अ कोरियर, आप लोगों ने TCS का नाम सुना होगा, पाकिस्तान पोस्ट का नाम सुना होगा, जो पार्सल डिलीवरी करते हैं, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर या फिर एक मुल्क से दूसरे मुल्क, इस तरीके से जो काम करती है कंपनी, उसी तरीके की एक कंपनी है जो कि अबू धाबी में है, एक कंपनी लॉन्च होने वाली है, तो उसका नेम मैं अभी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन उनका जो जितने भी सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जाम्पल एक ड्राइवर होता है जो आपका पार्सल लेकर आ रहा होता है, उसके मोबाइल में एक एप्लीकेशन होती है जो कंपनी उसको प्रोवाइड करती है, उसी तरीके से जब आप एक ऑर्डर करते हैं किसी कंपनी में जाके तो वो उनके पास रिसीव होता है, वो भी एक सॉफ्टवेयर होता है, एक उसको एडमिन पैनल कहते हैं, और जो राइटर होते हैं उनके पास उसको राइटर पैनल कहते हैं, और एक जो आप वेबसाइट यूज कर रहे होते हैं उसको कहते हैं हम नॉर्मल वेबसाइट, जो आप लोग यूजर इंटरफेस जिसका आप लोग देख रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल TCS.com या फिर जितने भी। तो ये जो तीन मैंने आपको चीज़ें बताई, ये तीनों जो है सॉफ्टवेयर मैंने डेवलप करे हैं, और वो कंपनी जो है इंशाल्लाह 2030 के भी बाद जो है लॉन्च होगी, और उस पर काम अभी चल रहा है, और काम इतना है कि तकरीबन 3 to 5 ईयर तक जो है मेरा एग्रीमेंट उनके साथ साइन हुआ है। अब इसके अंदर जो है देखें, आप लोगों को जो है इस प्रोग्रामिंग के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं जिसके ऊपर अपनी ग्रिप जो है स्ट्रॉन्ग करनी होगी, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश। अब जब मेरी मीटिंग होती है क्लाइंट से तो क्लाइंट की मर्जी होती है कि वो अरबी में शुरू करें, इंग्लिश में शुरू करें, क्योंकि जो है इंग्लिश जो है आजकल कॉमन है तो इंग्लिश में ही होती है, अरबी में हमारी मीटिंग नहीं होती, इंग्लिश इज मैंडेटरी। सो इंग्लिश में वो अगर मीटिंग स्टार्ट करते हैं तो फिर इंग्लिश में ही मुझे उनसे बात करनी है, उर्दू में अगर वो बात करते हैं तो उर्दू में ही वो मुझे उनसे बात करनी है। अच्छा, तो ये एक इंग्लिश आपकी जो है इसकी स्किल जो है, ये इंग्लिश भी एक स्किल है,
इसके ऊपर आपको अच्छी कमांड हासिल करनी है। इसके अलावा जो है आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप लोगों ने प्रोग्रामर बनना है तो उसके लिए आपको पहले फ्रंट एंड डेवलपर बनना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जो आप वेबसाइट देखते हैं, किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वहाँ पर जो आप देख रहे होते हैं स्क्रीन, तो वो फ्रंट एंड होता है, वो फ्रंट एंड डिजाइन की होती है। उसके पीछे एक बैक एंड होता है, जो आप कोई लाइक करते हैं तो पीछे फंक्शन चल रहे होते हैं सारे। ये सारी चीज़ें जो है दो चीज़ों को मिलकर बनी होती है, फ्रंट एंड और बैक एंड। तो आप लोग जितने भी अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो पहले आप लोग फ्रंट एंड सीखेंगे, और फ्रंट एंड सीखने के लिए आपको तीन लैंग्वेज पे जो है फोकस रखना है, HTML, CSS और JavaScript, जिसका कोर्स मैं अभी जो है पेड भी करा रहा हूँ, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए जो है मैं YouTube पर वीडियो भी रिकॉर्ड करके ऐड कर देता हूँ। बट मेरी वीडियो से ज़्यादा बेटर आपके पास एक ऑप्शन है, सर इंजमाम मलिक ने जो अपना YouTube चैनल दिखाया उसके अंदर प्लेलिस्ट है। बैकएंड का जो मैंने जिक्र किया, आज भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं सर इंजमाम के इसी चैनल में जाता हूँ जिसकी वैल्यू मुझे पता है, तो उससे जाकर जो है मैं हेल्प लेता हूँ। और आप लोगों के लिए जो है अपॉर्चुनिटीज अभी बहुत ज़्यादा ओपन है। सब लोग अब ऐसा करें कि फेसबुक को अनइंस्टॉल करें, या रखना चाहते हैं तो रखें आपके जो है पर्सनल यूज़ के लिए, लेकिन लिंक्डइन को लाजमी इस्तेमाल करें। लिंक्डइन पर जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और जब वहाँ पर जाके देखेंगे कि छोटे छोटे से बच्चे जो हैं वो मार्केट में जॉब कर रहे हैं और अपनी एक्टिविटीज़ पोस्ट कर रहे हैं, कंपनी ने उनको किन किन कंपनी में उन्होंने क्या क्या चीज़ अचीव की, तो जब आप उन लोगों को देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि वो जो बच्चा कर सक रहा है तो वो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू। फ़ोन नंबर मेरा आप लोग नोट कर लें, 0313-322-648, ठीक है। अच्छा भाई, रोड मैप मैंने तीनों को बताने का, तीनों ने नहीं बताया लेकिन माशाल्लाह तीनों ने बात अच्छी, बड़ी अच्छी की है। इनको स्टेज का इतना एक्सपीरियंस है नहीं, अभी तो नए नए आएंगे, इंशाल्लाह ये हो जाएगा सब डेवलप। तीन पॉइंट्स लास्ट जो मैं आपको बताता चलूँ। नंबर एक बात, कहीं से भी सीखें जाके प्रॉपर इसको, चाहे पहले सैलानी जाना पड़ता था, अगर इंशाल्लाह वॉस में यहीं पर कर देंगे तो आपको ट्रैवल आपका बच जाएगा। ट्रैवल आजकल बड़ा मसला होता है कराची में, तो लेकिन आप कहीं से भी सीखें, आया कि मेरे YouTube चैनल से, मुजैफा के YouTube चैनल से, वॉज बाइक इंस्टीट्यूट से या सैलानी से, एक साल आपको हाथ में लेकर आना है। ऐसा ये नहीं होने वाला है कि दो तीन महीने में आप सीख जाएंगे, मुश्किल काम है। जो काम जितना मुश्किल होता है उसके उतने ज़्यादा पैसे होते हैं। मुश्किल काम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आसान नहीं है, कोई भी इसको प्लीज़ आसान समझ कर मत आए। और एक साल एटलीस्ट आपको हाथ में लेकर आना है वॉज बाइक के पास, और इंशाल्लाह यही लोग आपको पढ़ा रहे होंगे, मेरी भी उसमें सरपरस्ती कहीं ना कहीं शामिल होगी, मैं वक्तन फ़ौक्तन विजिट देता रहूँगा। अच्छा, दूसरी बात, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखने के बाद फ्रीलांसिंग का आपके पास ऑप्शन होता है, लेकिन अभी हमारा बॉस भाई के पास और इवन सैलानी के भी बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट होती है कि आपने ये एक साल की पढ़ाई करने के बाद फ़ौरन आपने इंटर्नशिप किसी कंपनी में, किसी लोकल कंपनी में ढूंढना है, शारा फैसल में बहुत सारे सॉफ्टवेयर और मौजूद हैं, वहाँ पे फॉरन इंटर्नशिप करना है। क्यों? फ्रीलांसिंग उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। फ्रीलांसिंग में शुरू शुरू में आपको डिसअपॉइंटमेंट बहुत मिलती है, आपको लगता है ये क्या हो गया और आप एकदम डाउन हो, और फिर बड़ों के साथ बैठने का मौका नहीं मिलता, जो जुहैब भाई ने जिक्र किया गया, बड़ों के साथ बैठने का तो पता लगेगा कि आपकी वैल्यू है क्या। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये हो गया कि यार आप लोगों ने सबने पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। औरंगी टाउन को ऊपर लेके जाना है, अपने घर वालों को ऊपर लेके जाना है, पढ़ाई करनी है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी बैरूनी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि मुसलमान बच्चा पढ़ाई से दूर रहे, और किसी ने मुझे कहा था कि यार औरंगी टाउन के बच्चों को जो चीज़ मना कर दो ना वो तो ज़रूर करते हैं, तो मना कर रहे हैं, बैरूनी ताकतें मना कर रही हैं कि आप पढ़ाई ना करें। तो आप देखते हैं आप औरंगी टाउन के बच्चे वो काम करते हैं या नहीं करते। तो पढ़ाई ज़रूर करनी है और दिल लगा के पढ़ाई करनी है, और जब भी आप पढ़ाई करने बैठें, कोई भी पढ़ाई करने बैठे, ज़रूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो अल्लाह ताला से मांगें। ये मांगने वाली चीज़ है, जैसे कि अभी उसने जिक्र किया कि यार आपके जो मजहब होता है वो आपके दोस्त का मजहब होता है, ये आप सल्लम का कॉल है, ये मेरा कॉल नहीं है, आप सल्लम की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि आपका जो दीन होता है वो आपके दोस्त का दीन होता है, आपके माँ बाप का नहीं होता, माँ बाप की कौन सुनता है आजकल। तो अल्लाह ताला से मांगें आप सल्लम ने दुआ से खाई है, जो आब जमजम पीते वक्त आप दुआ लिखेंगे तो आ जाएगी। अल्लाह ताला से मांगें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया नफ़ेबा लाइक वरिस्तन वासिया रिज़्क वसअ और शिफा मिनकुल। तो ये आप दुआ पढ़ के जो है ना अल्लाह ताला से मांगे आप, फिर आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। लास्ट में एक पाकिस्तान जिंदाबाद का राड़ा लगाते हैं, पाकिस्तान। थैंक यू सो मच।